हेलो फ्रेंड्स, आईबीएस एक बहुत ही कॉमन कारण है पेट में दर्द होने का, और इसके साथ पेशेंट को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। हमारे वर्ल्ड में कम से कम 10% लोगों को आईबीएस है। इसका मतलब हर 10 में से एक व्यक्ति को आईबीएस के सिम्टम्स होते हैं, और आईबीएस फीमेल में या महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगला है। आज मैं एक बहुत ही कॉमन डिजीज आईबीएस के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईबीएस के सिम्टम्स क्या हैं। आईबीएस के पेशेंट को जो सबसे मेन सिम्टम है वो होता है पेट में दर्द होना। ये दर्द पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और इसकी ड्यूरेशन 6 महीने से ज़्यादा की होती है। इसके अलावा मरीज को या डायरिया होता है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या पेशेंट को पेट में गैस बनती है, पेट फूलने की फीलिंग आती है, स्टूल के लिए भागना पड़ता है, और स्टूल पास करने के बाद लगता है कि स्टूल ठीक से नहीं हुआ है, और मोशन पास करते हुए बहुत जोर लगाना पड़ता है। और कुछ पेशेंट्स को स्टूल के साथ म्यूकस भी आता है, और पेन का बावल मूवमेंट के साथ रिलेशन होता है। या तो स्टूल पास करने के बाद पेन कम हो जाता है, या ये पेन बढ़ भी सकता है। इसके अलावा स्टूल पास करते हुए भी पेट में काफ़ी दर्द हो सकता है। इन सब के अलावा पेशेंट को एंजाइटी या डिप्रेशन भी होता है। आईबीएस के पेशेंट्स के अंदर बेचैनी और एंजाइटी या मन उदास रहना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आईबीएस के पेशेंट्स में कभी भी नहीं होते हैं, जैसे कि वजन कम होना, पैरों में स्वेलिंग आना, खून की कमी होना, या मोशन में खून आना, या रात को सोते हुए मोशन की इच्छा करना। यदि पेशेंट को ये सब सिम्टम्स हैं तो आईबीएस होने के चांस बहुत ही कम है, और हमें बाकी डिसऑर्डर जैसे कि बड़ी आंत का ट्यूबरक्लोसिस, अल्सर या कैंसर को रूल आउट करना चाहिए। और यदि मरीज को बुखार है और खून की कमी है तो भी आईबीएस की संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा अगर फैमिली में किसी को बड़ी आंत के कैंसर की हिस्ट्री है, ऐसे मरीजों में भी आईबीएस की संभावना कम होती है। और यदि सिम्टम 50 साल की उम्र के बाद शुरू होते हैं तो भी आईबीएस की संभावना कम होती है। आइए अब जानते हैं कि आईबीएस के कारण क्या हैं। दोस्तों, आईबीएस का जो मेन कारण है वो है हमारी आंतों की लाइनिंग में सूजन आ जाना। दोस्तों, हमारी आंतों की जो इनर लाइनिंग होती है उसको हम म्यूकोजा बोलते हैं। आईबीएस के पेशेंट्स के अंदर इस लाइनिंग में सूजन आ जाती है। इस लाइनिंग में सूजन आने से पेशेंट्स को लगातार पेट में दर्द होता है और मोशन की गड़बड़ होती है। इसके अलावा आईबीएस के पेशेंट्स की आंतों की मूवमेंट या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर मूवमेंट ज़्यादा है तो पेशेंट को डायरिया होता है, अगर मूवमेंट कम है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा आईबीएस के पेशेंट्स के जो बड़ी आंत के बैक्टीरिया हैं वो चेंज हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी बड़ी आंत में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आईबीएस के पेशेंट्स के अंदर ये बैक्टीरिया चेंज हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया या तो ज़्यादा गैस बनाते हैं या ये ज़्यादा फैटी एसिड बनाते हैं। तो गैस और फैटी एसिड बनने से पेट में दर्द हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा आईबीएस के पेशेंट्स को कुछ फूड्स के लिए इंटॉलरेंस होती है, जैसे कि फोडमैप। फोडमैप का मतलब है फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, आईबीएस के पेशेंट्स में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और ये बड़ी आंत में चले जाते हैं। नॉर्मली हमारा खाना छोटी आंत में डाइजेस्ट होना चाहिए। आईबीएस के पेशेंट्स में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, फिर ये बड़ी आंत में एंटर करते हैं, जहाँ बैक्टीरिया इन कार्बोहाइड्रेट से गैस बनाते हैं या फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जिससे कि पेट में दर्द होता है और लूज मोशन लग जाते हैं। इसके अलावा आईबीएस के पेशेंट्स को ग्लूटन और फ्रक्टोस रिच डाइट खाने से भी सिम्टम आ सकते हैं। ग्लूटन हमारे गेहूं या व्हीट में होता है, फ्रक्टोस एक मीठी शुगर है जो कि हमारे फ्रूट में होता है। और ये देखा गया है कुछ आईबीएस के पेशेंट को ग्लूटन या फ्रक्टोस खाने के बाद पेट में दर्द हो सकता है या दस्त लग जाते हैं, क्योंकि एक ग्लूटेन और फ्रक्टोस छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और बड़ी आंत
में एंटर कर जाते हैं, जहाँ बैक्टीरिया इनसे फैटी एसिड और गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बाइल एसिड। दोस्तों, हमारे लीवर में बाइल सोल्ट या बाइल एसिड बनते हैं, जो कि हमारे फैट को डाइजेस्ट करते हैं, और ये बाइल एसिड छोटी आंत के निचले हिस्से, जिसे हम एलियम बोलते हैं, वहाँ एब्जॉर्ब होने चाहिए। IBS के पेशेंट्स में बाइल एसिड छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये बड़ी आंत में एंटर कर जाते हैं। बड़ी आंत में एंटर करने से ये डायरिया करते हैं, इसे हम बाइल एसिड डायरिया बोलते हैं। इसके अलावा IBS के पेशेंट्स में एक और महत्वपूर्ण कारण है विसरल हाइपरसेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि IBS के पेशेंट्स में कुछ नॉर्मल स्टमक के कंटेंट्स भी पेन कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारी डाइट में फैट ज़्यादा है तो IBS के पेशेंट्स में ये फैट, जिसे कि नॉर्मली पेन नहीं करना चाहिए, किंतु IBS के पेशेंट्स में ये फैट पेन कर सकता है, इसलिए IBS के पेशेंट्स को फैट रिच डाइट नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो है सीबो। सीबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। नॉर्मली हमारी छोटी आंत में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, IBS के पेशेंट्स में छोटी आंत में बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगर छोटी आंत में बैक्टीरिया होते हैं तो ये छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन करेंगे, जिससे कि गैस बनेगी, जिससे पेशेंट को पेन या डायरिया हो सकता है। अब अगला प्रश्न है कि हम IBS को डायग्नोस कैसे करते हैं। दोस्तों, IBS के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होता है। IBS को हम क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से डायग्नोस करते हैं। यदि किसी पेशेंट को अलार्मिंग सिम्टम्स है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उम्र 50 साल से ज़्यादा है, मोशन में ब्लड आ रहा है, भूख कम लग रही है, वजन कम हो रहा है, एनीमिया है, पैरों में स्वेलिंग है, या फिर हीमोग्लोबिन कम है, तो इन पेशेंट्स में हम आंतों की बाकी बीमारियों को, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, क्रोन्स या कोलन कैंसर को रूट आउट करते हैं। IBS को डायग्नोसिस करने के लिए हमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में IBS का डाउट होता है तो हम रोम 4 क्राइटेरिया के हिसाब से IBS को डायग्नोस करते हैं। तो ये रोम 4 क्राइटेरिया क्या है? रोम 4 क्राइटेरिया के हिसाब से पेशेंट को पेट में 6 महीने से दर्द होना चाहिए और पिछले 3 महीने में ये दर्द कम से कम हफ्ते में एक बार होना चाहिए। पेन का बाउल मूवमेंट से रिलेशन होना चाहिए, या तो बाउल मूवमेंट से दर्द बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट की जो बाउल हैबिट है वो चेंज होनी चाहिए। पेन के ऑनसेट के साथ या तो मरीज को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए, और इसके अलावा दर्द के ऑनसेट के बाद स्टूल फॉर्म चेंज होना चाहिए। स्टूल फॉर्म जानने के लिए हम ब्रिस्टल स्टूल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप ब्रिस्टल स्टूल स्केल देख सकते हैं। यदि स्टूल का शेप स्केल पर 1 और 2 है तो ये कॉन्स्टिपेशन है, 3 और 4 नॉर्मल है, और 5, 6 और 7 है तो ये डायरिया है। यदि 25% से ज़्यादा मोशन में स्टूल स्केल 1 और 2 है तो ये कॉन्स्टिपेशन है, और यदि 25% में स्कोर 5, 6 या 7 है तो ये डायरिया है। यदि दोनों ही स्टूल स्केल्स हैं तो ये मिक्स्ड है, और दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ये अनक्लासिफाइड है। IBS के पेशेंट में हम ज़्यादा टेस्ट नहीं करते हैं, हम एक CBC करके देखते हैं कहीं कहीं अनीमिया तो नहीं है। इसके अलावा हम ESR, CRP और फीकल कैल प्रोटेक्टिंग करते हैं, ये देखने के लिए कहीं आंतों में अल्सर तो नहीं है। दोस्तों, IBS और IBD का मतलब है आंतों में अल्सर होना, तो IBS और IBD में फर्क करने के लिए हम फीकल कैल प्रोटेक्टिंग करते हैं। IBS के पेशेंट में फीकल कैल प्रोटेक्टिन नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा हम गेहूं की एलर्जी का टेस्ट बोलते हैं, जिसे हम IgA टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज बोलते हैं, और इसके अलावा हम छोटी आंत के बैक्टीरिया देखने के लिए ग्लूकोज ब्रेथ टेस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, और हम थायराइड टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि थायराइड में दिक्कत होने से भी पेट में खराबी हो सकती है, और हम स्टूल को एनालाइज भी करते हैं कहीं स्टूल में पैरासाइट या बैक्टीरिया की इन्फेक्शन तो नहीं है। और IBS के पेशेंट में हमेशा हम ड्रग हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि अगर मरीज को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो इनकी मेडिसिन से भी पेट में खराबी आ सकती है। यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो हम एक क्रोनिक ट्रांजिट स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम पेशेंट को मुँह से कुछ मार्कर खिलाते हैं और एक्सरे करके देखते हैं कि मार्कर किस गति से मूव कर रहे हैं। इसके अलावा हम एनोरेक्टल मैनोमीट्री करके देखते हैं कि मरीज को स्टूल पास करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव
और यदि मरीज को एनोरेक्टल मैनोमेट्री में दिक्कत आती है तो हम उसे बायोफीडबैक थेरेपी से ठीक करते हैं। और इसके अलावा कई बार हम MRI डिफिकोग्राफी करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि कहीं मरीज को रेक्टोसील तो नहीं है। तो इन सब टेस्ट के बाद और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम IBS का पॉजिटिव डायग्नोसिस करते हैं और पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। यदि आपका कोई कमेंट या सजेशन है आप नीचे टाइप कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि IBS को हम लाइफस्टाइल, डाइट और मेडिसिन से कैसे ट्रीट करते हैं और स्टूल में ब्लड आने के क्या कारण हैं। थैंक यू।